हम कई बार ना चीजों को सुन लेते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते। मैं आपको कहता हूं, आप गिलोय का काढ़ा, गिलोय का रस भी हम देते हैं, गिलोय स्वरस और गिलोय आंवला स्वरस ही आप मेरे सामने देख रहे हैं, हम देते हैं। गिलोय रस पी सकते हैं, गिलोय की गोली खा सकते हैं, गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं, ताजा मिल जाए तो और अच्छा, नहीं तो पतंजलि का गिलोय का काढ़ा आपको मिलता है। इससे सर्दी जुकाम कफ एलर्जी एस्थमा ब्रोंकाइटिस सिनुसाइटिस एलर्जिक राइनाइटिस सब ठीक। ये डायबिटीज के लिए बहुत अद्भुत है गिलोय, जोड़ों का दर्द इससे दूर होता है और मोटापा कम होता है। सबसे बड़ी बात, इससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है। मुझे भी साल में एक दो बार थोड़ा सा कफ का जब ऋतु परिवर्तन पर असर हो जाता था, लेकिन जब से मैं तो योगी हूं, योग करता हूं, खान पान पर नियंत्रण रखता हूं, तो भी साल में एक दो बार थोड़ा सा असर हो जाता था। मैंने गिलोय पीने शुरू की, आप पिछले कई सालों से देख रहे होंगे, मुझे एक बार भी सर्दी जुकाम भी नहीं होता, माने सर्दी जुकाम बुखार भी आपको नहीं होगा। मैं तो सन्यासी हूं, लेकिन सन्यासी भी किसी कुलवंश में तो पैदा ही होता है। जिस कुलवंश में हमारा जन्म हुआ, दादी का नाम फत्तो था, 102 साल की उनकी उम्र थी, एक बार भी उनको जीवन में कभी सर्दी जुकाम कफ एलर्जी की समस्या नहीं हुई, एक बार भी कोई गोली नहीं खाई और कभी बीमार नहीं पड़ी, बुखार भी नहीं हुआ उसको 102 साल तक। क्या था, इम्यूनिटी उनकी बड़ी स्ट्रांग थी, रोज दूध रोटी खाती थी। मैंने अपनी आंखों से लगभग उनको 90 वर्ष की उम्र में लगभग आधा किलो दूध और दो रोटी, क्योंकि दांत नहीं थे और जब बुजुर्ग लोग फिर वो नकली दांत लगाना पसंद भी नहीं करते, तो रोटी चूर के, उसको मोट मोर के बोलते हैं हरियाणा में, कहीं चूर के बोलते हैं, तो रोटी चूर के मोर के और उसमें डाल दिए दूध, खाती थी सुबह शाम दूध रोटी खाना, और सादा संयमी सदाचारी जीवन जीना, इम्यूनिटी बढ़ गई, कोई बीमारी नहीं, जिंदगी भर एक बार भी बुखार नहीं हुआ, ऐसा भारत में देखना चाहता हूं। आप गिलोय का सेवन कीजिए, थोड़ा योगाभ्यास कीजिए, सारा देश ऐसा बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, ये छोटी छोटी बातें लेकिन इनका परिणाम बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं सारे भारतवासी सुबह उठ करके एक बार गिलोय पी ले, आंवला एलोवेरा का जूस पी ले, साधारण सी बातें, जिनको बात अच्छी अपनी ग्लो रखनी है, मसल्स को भी अच्छा बनाना है, बोन्स को भी अच्छा बनाना है, हार्ट को भी अच्छा बनाना है, तो मैं उसको बोलता हूँ एक चम्मच या दो चम्मच वर्जिन क्वालिटी का कोकोनट ऑयल ले ले। साधारण सी बातें हैं ये, लेकिन इनका असर जबरदस्त है। फ्लैक्सीड थोड़ी सी ले लिया करें, आंवला अश्वगंधा शतावर ले लिया करें। ये सारी दैनिक जीवन में हमारे पूर्वज आयुर्वेद का प्रयोग क्या करते थे, हम भूल गए। बस मैं खाली उसकी याद दिला रहा हूं। मैं आपको इतनी सी बात कह रहा हूं, सुबह उठ करके योगाभ्यास कर लीजिए, आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पी लीजिए, इतना ही बहुत है। इतने से ही आपको यदि कोई बीमारी नहीं है तो आप जिंदगी भर निरोगी रहेंगे, और यदि आप रोगी हैं तो निरोगी हो जाएंगे और इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इस पूरे समष्टि के लिए उपयोगी हो जाएंगे। हमें अपने लिए, अपने घर परिवार समाज राष्ट्र के लिए और भगवान के लिए उपयोगी होना है। योगी बनो, निरोगी बनो, उपयोगी बनो, जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं इस समाज में राष्ट्र में, उनके सहयोगी बनो, उद्योगी बनो, बड़े बड़े उद्योग लगाओ, पुरुषार्थ करो, अपने पुरुषार्थ और परमार्थ से इस धरती पर सुख को बढ़ाओ, समृद्धि ऐश्वर्य को बढ़ाओ, सबको सहारा दो, ऐसा भारत में देखना चाहते। छोटी सी बात है गिलोय, गिलोय का हमने जितना प्रचार किया, डेंगू चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू से लेकर के और कितने माने बीपी शुगर मोटापा जोड़ों का दर्द, माने इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी तो कोई बीमारी होगी नहीं, कितनी बड़ी बात है। एक भी चीज का फॉलो कर लेते हैं मुझे सुन के, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है।